नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने नए भाई बहन हैं जो पुराने हैं सभी बहुत अच्छे होंगे, और हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे, उन अपने भाई और बहनों से कहना चाहेंगे, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, सभी का सम्मान करते हुए हम कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी जो है एक भाई है और एक दीदी जिनका हम नाम लेना चाहते हैं। एक हमारे भाई है जिनका नाम है शेरा सिंह, और एक हमारी दीदी है जिनका नाम है वैष्णवी। तो दीदी और भाई, आप दोनों को हमारा नमस्कार, और आप दोनों ऐसे ही आप सभी हमारी वीडियो में अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, यही हम आप सभी से कहना चाहते हैं। और आज हम आप सभी को टमाटर की मीठी चटनी बना के दिखाने वाले हैं। इसके लिए जो है हमारी दीदी हैं एक, जिनका नाम है प्रतिमा। तो दीदी ने बहुत पहले कहा था कि टमाटर की चटनी और आलू की पूड़ी बना के दिखाइएगा। तो आलू की पूड़ी तो हम आप सभी को दिखा ही चुके हैं। तो टमाटर की चटनी, एक कढ़ाई में दो चीज़ें एक दिन में बना के नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि कढ़ाई एक ही थी और दो चीज़ बनाना था तो हमको दिक्कत हो रही थी। इसीलिए हम जो है टमाटर की चटनी आज आप लोगों के साथ हम बना के शेयर करेंगे, और आप सभी को दिखाएंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। ये देखिए, हमने मसाला लिया है, इसमें धनिया है, सौंफ है, करायल है और जीरा है। इसको हम पहले भून लेते हैं, फिर इसको पीसेंगे। मसाले को हमने कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई गर्म है, इसको भून लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा हो गया है, चटचटाने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये देखिए, अब हम इसको पीस लेंगे सिलौटी पे रख के खूब अच्छे से। तो ये देखिए, मसाला हमारा पीस गया है, इसको हम निकाल लेंगे इसी प्लेट में। ये देखिए, दो भेली हमने गुड़ लिया है, इसको भी हम जो है इस पे फोड़ लेते हैं, फोड़ के रख लेते हैं ताकि दोबारा हमको सिलौटी पे ना आना पड़े गुड़ को फोड़ने के लिए। अब हम इसको फोड़ लिए हैं। ये देखिए, टमाटर को हमने निकाल के रखा है, इसको काट लेते हैं पहले। ये देखिए, टमाटर हमने काट लिया है पूरा। अब कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल हमारा पक गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, करायल है और ये हमने लिया हुआ है मेथी, इसको डाल दिए हैं, ये हो जाएगा। तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे, मेथी हो जाएगी। तो अब टमाटर डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर से ये मसाला डालेंगे जो हमने पीस के रखा था। इसमें हमने धनिया लिया था, करायल लिया था और जीरा था और सौंफ थी, सब हम इसमें डाल देंगे। इसको भी मिला देंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम काला नमक भी डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम मिला देंगे अच्छे से, और इसको हम ढक देंगे, गुड़ अभी नहीं डालेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। ये देखिए, हमने गुड़ को लिया हुआ है और इसको इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये गुड़ हो जाए, पिघल जाए, इसमें मिल जाए,
बस हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है इसमें जो पानी था वो कम हो चुका है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। वैसे इसमें पानी हम चाहें तो और जला सकते हैं लेकिन नहीं जलाएंगे, बच्चे कई दिन तक खाएंगे इसलिए तो इसको हम नहीं जलाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। चटनी हमारी बन गई है। तो यहाँ पे जो है ये नैन्सी एक कुत्ते के बच्चे को लेकर बैठी हुई है और एक कुतिया है जिसका जो है चार बच्चे उसने दिया है, उसका चार बच्चा है और वो जो है और बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं भाग गई है अपने मुंह में बच्चों को दबाकर और लेके जा रही थी। तो हम लोग देख रहे थे कि हर इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो, हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है। तो वो बच्चे के टांग को पकड़कर एक एक करके बच्चे को कहीं उठा ले गई है। और पहले उसने बच्चा यहीं दिया था घर के पास में ही, तो माही मानसी नैन्सी और मोहल्ले के जितने बच्चे हैं उसको लेकर पूरा दिन खेलते थे, चारों बच्चों को लेकर खेलते थे। तो जब वो अपने बच्चों को उठा ले गई तो माही कह रही थी कि हम एक बच्चे को पालेंगे। तो उसने यहाँ पे दो बच्चा लिया हुआ है, एक अभी नहीं है, हम किसी दिन आप सभी को दिखाएंगे, इतना ही हम जो है वीडियो को शूट कर पाए हैं। तो नैन्सी जो है बच्चे को पकड़ के बैठी है और माही को देखिए ये बकरी का दूध दूह के उस बच्चे को पिलाती है। छोटा सा ये प्लेट ली है, इनके खिलौने वाला ये प्लेट है, जो खेलती हैं ये वही इनके खिलौने वाला प्लेट है। और इस खिलौने वाले प्लेट में ये दूध को दूहती हैं और दूहने के बाद ले जाती हैं उस बच्चे को पिलाती हैं। अभी आप लोग देखना कैसे ये दूह के लेके जाएंगी। और एक लोग बकरी को पकड़े हुए हैं कि कहीं पैर ना उठा दे, वो सामने वाली चाची जी के बच्चे हैं, उनके लड़के हैं। और माही बकरी को दूह रही है और इधर नैन्सी कुत्ते के बच्चे को पकड़ के बैठी है कि दीदी दूध लेके आएगी तो हम पिलाएंगे। और माही को दूध लेके आती है, फिर बच्चे को पिलाती है, ये देखिए लेके आई है और फिर इसी तरीके से ये करती है इसकी सेवा। बना तो रही है ना माही दीदी, बुइया क्या कर रही हो? जीप दिखा रही हूँ। गंदी बात है ना, ऐसे नहीं करते। आगे तो आप लोग धुआं लग रहा है बेटा, धुआं। अरे मेरे बाल मत खोलना यार, कोई आया नजर। क्या करोगे डिब्बे का ढक्कन? इसको इसको क्या करेंगे? इसको दोनों बांध के उसमें बांध देंगे। इसको क्या करोगी बेटा? इसको खेलोगी? खेलेंगी ये दोनों, इसको बना के खेलेंगी। वीडियो हाँ दिखाओ, दिखाएं दिखाओ। अच्छा तुमको भी आना है क्या? हाँ। तो मेरा सर पहले ढकने दो, कोई आ जाएगा। अपनी चोटी दिखाओ, अपनी चोटी अंदर चल के देखना, चोटी देखेंगी मानसी हमारी, चोटी अंदर चल के चलो वीडियो दिखाओ। तो देख तो रही हो, खाओ क्या? नहीं जो बनाई हो अभी। अच्छा जो बनाए हैं अभी, जिसमें तुम लोग कुत्ता उठा रही थी वो वाला? अच्छा पूरी पब्लिक यहाँ इकट्ठा है। अच्छा अरे हमको मार डालोगी, मार डालोगी मम्मी को? गंदी बात है। तो खाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? हम जब मम्मी मिल जाएगी तब किसको खाना खिलाएगा? हाँ देखो नैन्सी हमारी कह रही है किस कौन खाना बनाएगा ना। अरे छोड़ 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 छोड़, ऐसे नहीं करते मम्मी, बाल नहीं खोलते, छोड़ हट जाओ, नहीं मार देगी फिर गंदी बात करूंगी।
ये देखिए, ये जो सरपत आप सभी को दिख रहा है ना, 5-6 बोझ बांध के रखा हुआ है, एक खंभे में इसको टिका के रखे हुए हैं। इसी में कथरी जो लगा है, आगे पीछे जो कपड़ा लगा है, हम लोग कथरी ही बोलते हैं, ये बिछौना है। तो माही कुत्ते के बच्चे को इसी में रात भर जो है रखी हैं। वो देखिए सब लोग रख रहे हैं इसी में। इधर नैन्सी टहल रही हैं, ये मानसी खड़ी हैं, और ये मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, तो उसी में बच्चे को रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रखते हैं, फिर निकालते हैं। और ये अभी सुबह सुबह का समय है, बाहर बैठ के हम कौड़ा ताप रहे थे, मतलब आग जली हुई थी बाहर, तो हम आग ताप रहे थे बैठ के। तो दोस्तों चटनी हमारी बन गई है, और जो है हम इसमें से ज़्यादा पानी नहीं जलाए हैं, क्योंकि ज़्यादा जला देंगे तो कम हो जाएगी, और ये रहेगा तो बच्चे इसको 5-6 दिन तक खाएंगे। कह रही है चुप्पे चुप्पे माही दीदी, क्या खाए? अच्छा मुझे गुल दो और चल माही दीदी का दिन छोटे। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा बात कर ले फिर। हाँ देते हैं ना बोले है ना माही। हाँ रुक जाओ थोड़ा। तो दोस्तों चटनी हमारी बन गई है, अब हम इसी के साथ आप सभी को अपने कल के वीडियो में मिलेंगे। और हमारी नानसी आप सभी से बात भी नहीं करने दे रही है, मानसी भी आ गई है। मानसी प्यार करते हैं कि नहीं? अच्छा आप लोग प्यार करती हैं कि नहीं मानसी को बता दीजिएगा, हम इनको पढ़ के बता देंगे कमेंट में। तो दोस्तों अब हम आप सभी को कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।